15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। वी डोंट नीड एनी मोर वंदन्स, वी डोंट नीड एनी मोर वंदनास, थैंक यू वेरी मच। व्हाट वी नीड इज डायरेक्ट एक्शन। दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसको बगावत का ऐलान ना समझा जाए। मोदी है तो मुमकिन है। Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP the way our party has done. ये अंदाज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का है, जो स्मृति ईरानी सहित भाजपा के नेताओं को जवाब दे रही हैं। स्मृति ईरानी ने ताल ठोकते हुए महिला आरक्षण को अगले 15 सालों तक मोदी की गारंटी बताई, तो महुआ मोइत्रा ने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि हमें वंदन और अभिनंदन वाला डायलॉग नहीं चाहिए और ना ही महिलाओं को जुमलेबाजी चाहिए। अगर महिला आरक्षण बिल पर मोदी इतने चिंतित हैं तो उसे फौरन लागू करें। महुआ ने अपने शायराना अंदाज में कहा कि हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसे बगावत का ऐलान न समझा जाए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। महिला आरक्षण बिल पर सदन में बहस हो रही है। भाजपा महिला आरक्षण के जरिए 2024 के चुनाव के लिए संजीवनी ढूंढ रही थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल अब भाजपा के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि एक स्वर में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर मोदी के उस सपने पर पानी फिर गया जिसमें वो लोग ये मान बैठे थे कि विपक्ष उनके इस बिल का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस बिल का समर्थन कर भाजपा के मोदी और शाह की जोड़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने न सिर्फ महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन दिया, बल्कि इस बिल के जरिए मोदी और शाह की जुमलेबाजी को देश के सामने बेनकाब कर दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी मोदी के इस बिल को जुमले से ज्यादा कुछ नहीं मान रही है। एक तरफ संसद में जब स्मृति ईरानी खड़ी हुई तो उन्होंने महिला आरक्षण को अगले 15 सालों तक लागू होने वाला मोदी की गारंटी बताई। तब टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को गुस्सा आ गया। महुआ मोइत्रा ने स्मृति ईरानी को सीरियल वाली कैरेक्टर से निकलकर बात करने की सलाह दे दी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि गारंटी वारंटी वाली जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, वंदन और अभिनंदन वाले डायलॉग से देश नहीं चलाया जा सकता है, बल्कि कानून को लागू कर महिलाओं को हक दिलाने से ही देश का भला होगा। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचरना है तुझे। बन के तूफान छलकना है, उबलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। We don't need any more vandans. We don't need any more vandanas. Thank you very much. What we need is direct action. दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसको बगावत का ऐलान ना समझा जाए। मोदी है तो मुमकिन है। Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. Send 33% women to parliament. Send 33% women to parliament in 2024 from the BJP the way our party has done. आपको पता है कि अगर आज ये बिल संसद से पास होकर कानून बन गया तब भी उसे लागू होने में 5-7 साल तो लग जाएंगे। मोदी सरकार की मंशा महिला आरक्षण को लेकर ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे क्लॉज डाल दिए गए हैं जैसे जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू होगा, जिसका साफ मतलब है कि इसे लागू होते होते 2029 का लोकसभा चुनाव भी गुजर सकता है। यही वजह है कि महुआ मोइत्रा ताल ठोक कर मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती देते हुए महिला आरक्षण को लागू करने की बात कह रही हैं। महुआ मोइत्रा ने दो टुक कहा कि भाजपाइयों को उनकी नेता ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, जिन्हें लोकसभा में बिना किसी कानून के ही 37% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रखा है, जबकि यह सरकार आरक्षण के जरिए सिर्फ 33% महिलाओं को आरक्षित करने जा रही है और उसमें कानूनी दावपेच फंसा रही है। अगर वाकई भाजपा महिलाओं को हक दिलाना चाहती है तो महिलाओं को लोकसभा में टिकट देने से कौन रोक रहा है? अगर वाकई महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो भाजपा के 11 सदस्यीय संसदीय दल में केवल एक महिला क्यों है? क्यों भाजपा का एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है? दरअसल महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार का जुमला से ज्यादा कुछ नहीं है। तो महुआ मोइत्रा के शायराना अंदाज के जरिए स्मृति ईरानी पर किए गए वार को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा YouTube पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।